हाय एवरीवन, मैं नवनीता और नवनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोहन थाल। ये गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है। देखने में ये बेसन की बर्फी जैसे लगता है पर टेस्ट में डिफरेंट होता है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए एक बड़े बोल में हम लेंगे 2 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जिससे हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं। अब पहले इसे दानेदार बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दूध के, और ये रूम टेम्परेचर पर लिए है मैंने। अब 1 कप घी लेंगे, यानी कि जितना बेसन लेंगे उसका आधा घी लेना है। इसमें से 3 बड़े चम्मच घी हम बेसन में ऐड करेंगे और बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। अब दूध और घी को बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो बड़े लम्स बन जाते हैं उन्हें हम इस तरह से उंगलियों से रब करके मिक्स करते जाएंगे, या फिर आप चाहें तो बेसन को इस तरह दोनों हाथों से मसल कर भी मिक्स कर सकते हैं। घी और दूध को हमने बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, इससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमें बेसन को छलनी से छानना है, तो जो हम आटा छानने के लिए यूज़ करते हैं वही लेना है। अगर आप इसे बारीक छलनी से छानते हैं तो बेसन में मोटे दाने नहीं बनेंगे और मोहन थाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये जो बड़े टुकड़े बच जाते हैं इन्हें हम मिक्सर जार में ग्राइंड करके थोड़ा सा बारीक करेंगे, उसके बाद इसे फिर से छान लेंगे। और ये हमारा मोहन थाल बनाने के लिए मोटा बेसन बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और जो घी हमने लिया था वो सारा घी इसमें डाल देंगे, और अब इसमें बेसन डालकर इसे लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। बेसन को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से सिक सके। इसे पकाते हुए लगभग 12 से 15 मिनट हो गए हैं। ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया है और इसमें से अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। अब क्योंकि हम ये बगैर मावा के बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। तो दूध को हम हाफ हाफ करके 2 बार ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद इसमें झाग बनकर ऊपर तक आ जाते हैं, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। जब लगे कि झाग थोड़े से कम हो गए हैं तो बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और उसके बाद इसे 2 मिनट तक या फिर ड्राई होने तक पकाएंगे। बेसन ड्राई होकर बाइंड होने लग गया है तो अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक और चलाएंगे, क्योंकि पैन अभी काफ़ी गर्म है तो ये नीचे की तरफ से जल सकता है। और अब हम शुगर सिरप बनाएंगे, तो इसके लिए सॉस पैन में 1 कप चीनी लेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे चीनी के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर है तो थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए, इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डालेंगे, ये वही कलर है जो मोतीचूर के लड्डू में डाला जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद शुगर सिरप को मीडियम फ्लेम पर इसमें 1 तार की चाशनी बनने तक कुक करेंगे। शुगर सिरप को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इसे चेक करेंगे, तो थोड़ा सा सिरप चम्मच में लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। इसके बाद इसे उंगली से इस तरह से चेक करेंगे तो इसमें 1 तार बन रहा है, यानी कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब गरम गरम शुगर सिरप को बेसन में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये पैन से अलग भी होने लग गया है, तो ये बेसन का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसे सेट करेंगे। बर्फी को सेट करने के लिए मैंने ये केक टिन लिया है, आप कोई ट्रे या फिर थाली भी ले सकते हैं। अब पहले इसमें थोड़ा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद इसमें बटर पेपर लगाएंगे। इससे बर्फी को अनमोल्ड करना काफी ईजी हो जाता है, पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी घी है तो इसे अनमोल्ड करने में परेशानी नहीं होगी। अब इसमें बेसन का मिक्सचर डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसकी हम मोटी लेयर बनाएंगे, क्योंकि मोहन थाल को ऐसे ही बनाया जाता है। और अब इसे 2 से 3 घंटे तक सेट होने के लिए रख देते हैं। आप इसे रात भर भी रख सकते हैं और अगर जल्दी में है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में भी रख सकते हैं। बर्फी को मैंने सेट होने के लिए इसे 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से सेट भी हो गई है। अब इसे डीमोल्ड करके इसका बटर पेपर हटा देंगे और अब इसे ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, पर कुछ लोग वर्क लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको पीसेस में कट करेंगे। इसके थोड़े बड़े पीस ये अच्छे लगते हैं, पर क्योंकि आप ये घर में बना रहे हैं तो आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े साइज में कट कर सकते हैं। और इसके बाद इसे गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई पिस्ता से। पिस्ता को हाथ या फिर चम्मच से हल्का सा प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। अब सारे पीसेस को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इसे इस तरह चांदी के वर्क और पिस्ता से गार्निश करते हैं तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। तो ये लीजिए हमारा दानेदार और एकदम सॉफ्ट मोहन थाल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो त्योहारों के इस सीजन में आप भी अपने हाथों से ये मिठाई बनाकर सेलिब्रेट करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।